Hello and welcome to Darshan IAS. In this class we are going to discuss Bishop George Berkeley 1685 to 1753. This class is going to be helpful for UPSC civil services aspirants who opted philosophy as their option subject and those who opted philosophy in their UGC NET exam in the second paper, and also for those who are preparing for their UG or PG courses like BA, MA, BEd and MEd as well. So let us start in this class. In this class we are going to discuss the philosophy of Bishop George Berkeley. Bishop George Berkeley is an idealist, and his idealism is called subjective idealism or immaterialism as well. And he is an empiricist. Empiricist means he believes in the empirical experiences. He believes that the knowledge is solely depend on our sense experience. Okay, and he is an Irish philosopher. He is considered to be the father of modern idealism. And modern idealism is considered as subjective idealism or immaterialism, and he is the father of it. Okay, next. Before proceeding to the class, subscribe my channel so that you can get the notifications of my latest videos. Next, we will discuss what is the philosophy of Berkeley, Bishop George Berkeley. George Berkeley, known as Bishop George Berkeley, was an Irish philosopher whose primary achievement was the development of theory he is called इमटेरियलिज्म, यानी कि उसकी जो थ्योरी थी जो उसने डेवलप की थी उसको हम कहते हैं इमटेरियलिज्म। बाद में जिसको हमने सब्जेक्टिव आइडियलिज्म के रूप में भी देखा है, यानी कि जो बर्कले है ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न आइडियलिज्म। लेकिन वो मॉडर्न आइडियलिज्म है क्या? जो मॉडर्न आइडियलिज्म है इट इज नोन एज सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, जिसको हम इमटेरियलिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, यानी कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में बिलीव नहीं करते, ये कहते हैं कि जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स नहीं है बल्कि क्या है, वो आइडियाज हैं। और जो हम हैं, जो उनको जानते हैं, वो कौन है? हम स्पिरिट हैं। यानी कि ये दो प्रकार के ही सब्सटेंस की बात करते हैं, और वो दोनों सब्सटेंस क्या है, एक स्पिरिट है और दूसरा क्या है, आइडियाज है। और स्पिरिट भी अपने आप में स्पिरिचुअल है और आइडियाज भी अपने आप में स्पिरिचुअल है, इसलिए दिस विल बी कॉल्ड एज सब्जेक्टिव मोनिज्म। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, this theory denies that existence of material substance and instead contends that familiar objects like tables and chairs are only ideas in the minds of perceivers। वो ये कहता है कि जो existence है किसका, material substance का, उसको वो deny करता है। जो भी आप material substance देखते हो, physical substance देखते हो, तो वो उसको deny करता है। वो ये कहता है कि दुनिया में कुछ भी material world, material जैसा कुछ भी नहीं है, फिजिकल चीजें कुछ भी नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो अपने आप में आइडियाज हैं। अगर आप ये मेरे हाथ में स्टाइलस देखते हो, तो ये स्टाइलस जो है मटेरियल स्टाइलस नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये अपने आप में एक आइडिया है, ये आइडिया है। ठीक है ना, यानी कि जिसको आप अपने सेंस एक्सपीरियंस से देखते हो, और आप कौन हो, आप नोअर हो, यानी कि आप स्पिरिट हो, और ये जो स्टाइलस है जिसको आप देख रहे हो, ये क्या है, ये आइडिया है, ना कि स्टाइलस यानी कि कोई फिजिकल चीज। इज इट क्लियर? अब आइडिया को आप जानते हो। अब आगे ये क्या कहता है, एंड इंस्टेड कंटेंट्स दैट फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल्स एंड चेयर्स आर द ओनली आइडियाज इन द माइंड्स ऑफ परसीवर्स। वो ये कहता है कि जितनी भी फिजिकल चीजें आप देखते हो, चाहे वो स्टाइलस हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, वो सब क्या है, वो सब सिर्फ आइडियाज हैं। और वो कहां रहते हैं, परसीवर के माइंड में रहते हैं। यानी कि जब आपने टेबल को देखा तो आपने उसको टेबल बोला। क्यों? क्योंकि टेबल का जो आइडिया था वो पहले से आपके माइंड में था। ठीक है ना, जब आपने चेयर को देखा तो आपने चेयर को बोला कि ये चेयर है, मेरे पीछे जो पर्दे टंगे हुए हैं इनको आपने पर्दा इसलिए बोला, मैंने पर्दा इसलिए बोला क्योंकि इन पर्दों का आइडिया पहले से मेरे माइंड में है। मैंने जब इनको देखा तो मेरे माइंड में एकदम से आइडिया आ गया, किसका, पर्दे का। तो ये क्या है, तो ये पर्दे नहीं है बल्कि पर्दे का आइडिया है। ठीक है ना, एज अ रिजल्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बींग परसीव्ड। अब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो चीज हमें दिखाई नहीं देगी तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। टू बी इज टू बी परसीव्ड, ऐसा इसकी फिलॉसफी है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको यही चीज समझनी पड़ेगी कि
एज अ रिजल्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बीइंग परसीव्ड, द थिंग दैट कैन नॉट बी परसीव्ड डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि जिसको हम परसीव नहीं कर सकते उसको हम नहीं बोल सकते कि वो एग्जिस्ट करता है। ऐसी फिलॉसफी है बिशप जॉर्ज बर्कले की। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बर्कले देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ थिंग्स, स्पिरिट्स एंड आइडियाज। अब दो चीजें बताता है वो, एक तो स्पिरिट। अब स्पिरिट कौन है? स्पिरिट इज यू, यानी कि यू आर द नोअर, एंड आइडियाज विच इज नोन। यानी कि अगर आप ये कहते हो कि मैं टेबल को जानता हूं कैसी होती है, तो जो टेबल है वो क्या है? टेबल एक आइडिया है। और आप ये कहते हो कि मैं जानता हूं, तो जानने वाला कौन है? नोअर। और नोअर कौन है? वो स्पिरिट है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, स्पिरिट्स आर सिंपल एक्टिव बीइंग्स। यानी कि जो स्पिरिट है वो क्या है? वो सिंपल एक्टिव बीइंग है, विच इज अस। ओके, यानी कि नोअर। विच प्रोड्यूस एंड परसीव्स आइडिया, जो कि आइडिया को प्रोड्यूस भी करता है और परसीव भी करता है। आइडियाज आर पैसिव बीइंग्स, और जो आइडियाज हैं वो पैसिव हैं, और जो स्पिरिट है वो एक्टिव है, क्योंकि जो स्पिरिट है वो आइडिया को देखती है, परसीव करती है, ठीक है ना। और जो आइडिया है वो नहीं देखता, वो पैसिव है। इज इट क्लियर? विच आर प्रोड्यूस एंड परसीव, जिसको हम प्रोड्यूस भी करते हैं और जिसको हम परसीव भी करते हैं, वो क्या है? वो हमारा पैसिव बींग्स, यानी कि वो क्या है? आइडियाज हैं। यानी कि टेबल को हमने प्रोड्यूस भी किया है और उसको हम परसीव भी करते हैं, और हम कौन है? हम स्पिरिट हैं। हम स्पिरिट यानी कि हम नोअर हैं, ठीक है। द यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिट एंड आइडिया इज सेंट्रल इन बर्कलेज फिलोसॉफी, ठीक है। स्पिरिट और आइडिया का ध्यान रखना, क्योंकि ये बर्कले की फिलोसॉफी में बहुत ही सेंट्रल पार्ट है। एज यूज बाय हिम These concepts are difficult to translate into modern terminology. His concept of spirit is close to the concept of conscious subject of mind. यानी कि यहाँ पे जो उसका concept of spirit है, उसका किससे मतलब है? उसका मतलब है concept of conscious subject, यानी कि our mind. और conscious subject कौन है? हम जानने वाले हैं, हम ज्ञाता हैं। ज्ञाता हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास माइंड है। हम कॉन्शियस सब्जेक्ट हैं, यानी कि हमारे पास क्या है? माइंड है। हम चेतन प्राणी हैं, और जिसके पास चेतना होती है, जो चेतन होता है वही तो चीजों को जानता है। जो जानता है, जिसको जानता है वो आइडिया है, ठीक है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया इज क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसेशन और स्टेट ऑफ माइंड और कॉन्शियस एक्सपीरियंस। यानी कि हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया है वो क्या है? वो क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसेशन और स्टेट ऑफ माइंड। यानी कि हम जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी हमारे पास आइडिया है, वो क्या है? वो सिर्फ एक सेंसेशन है जो कि हमने अपने सेंस ऑर्गन से लिया है, और या फिर वो एक स्टेट ऑफ माइंड है जो कि हमारे माइंड में रहती है, ठीक है। और कॉन्शियस एक्सपीरियंस, या फिर वो हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस है जिसको हम आइडिया बोलते हैं। दस बर्कले डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर एज अ मेटाफिजिकल सब्सटेंस। तो इस तरीके से जो बर्कले है वो क्या करता है? वो मेटाफिजिकल सब्सटेंस के जो एग्जिस्टेंस है उसको वो क्या करता है? डिनाई करता है। बट डिड नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज एप्पल्स और माउंटेन्स। लेकिन वो एप्पल या फिर माउंटेन जैसी जो फिजिकल चीजें हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके एग्जिस्टेंस को वो डिनाई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इनको हम परसीव करते हैं, और वो ये कहता है टू बी इज टू बी परसीव। यानी कि जो कुछ भी है वो परसीव होता है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी परसीव होता है वो है, यानी कि वो एग्जिस्ट करता है। इसलिए ये एप्पल या फिर माउंटेन जैसी चीजों को डिनाय नहीं कर पाता। नेक्स्ट, अब ये क्या कहता है? इसका कुछ कोटेशन है जिसको मैंने यहाँ पे बोल्ड में लिखा है। आई डू नॉट आर्ग्यू अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वन थिंग दैट वी कैन अपेरेंट ईदर बाय सेंस और रिफ्लेक्शन। मैं किसी भी ऐसी चीज के एग्जिस्टेंस के विरुद्ध आर्ग्यू नहीं करता जिसको हम अपने सेंस और रिफ्लेक्शन से देखते हैं। दैट द थिंग्स आई सी विद माइन आईज एंड टच विद माई हैंड्स डू एग्जिस्ट रियली एग्जिस्ट आई मेक नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। जिन चीजों को मैं छू सकता हूं, देख सकता हूं, वो सच में एग्जिस्ट करती हैं, उनके ऊपर मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाता हूं। द ओनली थिंग हूज एग्जिस्टेंस वी डिनाई, सिर्फ वही चीज जिसके एग्जिस्टेंस को मैं डिनाई करता हूं, इज दैट विच फिलोसोफर्स कॉल्ड मैटर और कॉर्पोरियल सब्जेक्ट। तो वो है, वो क्या है? वो मैटर है जिसको हम कॉर्पोरियल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। एंड इन डूइंग ऑफ दिस देयर इज नो डैमेज डन, ठीक है। और ऐसा करने पे मैं कोई भी डैमेज नहीं करता हूं, कोई भी हार्म नहीं करता हूं उन लोगों की फीलिंग के लिए जो कि क्या है, बाकी के लोग हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ द मैनकाइंड, यानी कि बाकी की जितनी भी चीजें हैं फिजिकल, उन सारी चीजों के एग्जिस्टेंस के ऊपर मैं कोई भी हमला नहीं करता हूं।
आई डेयर से विल नेवर मिस इट, ठीक है ना। यानी कि जो भी चीजें फिजिकली हमें दिखाई देती हैं इस वर्ल्ड में, उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर मैं कोई भी सवालिया निशान नहीं लगाता हूं, मैं सिर्फ उन चीजों की बात करता हूं जिसको जो फिलोसोफर्स हैं वो मैटर बोलते हैं। नेक्स्ट, वर्कलेस फेमस प्रिंसिपल इज एस इज परसीव बी, टू बी इज टू बी परसीव्ड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इफ यू आर सीरियस सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, ओके। और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जब भी बर्कले का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज एस परसीव्ड, यानी कि टू बी इज टू बी परसीव्ड क्या है, ठीक है ना। बर्कले वॉज एन आइडियलिस्ट, बर्कले वॉज एन आइडियलिस्ट, ही हेल्ड दैट ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स आर ओनली कलेक्शंस ऑफ आइडियाज। बर्कले ने यही कहा था कि जो हम जानते हैं, जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्शंस ऑफ आइडियाज हैं विच आर माइंड डिपेंडेंट, जो कि माइंड के ऊपर डिपेंड करते हैं, विदाउट माइंड वी कैन नॉट नो एनी आइडिया, ओके। बर्कले वॉज एन इमटेरियलिस्ट, अब वो क्या है, वो एक इमटेरियलिस्ट भी है क्योंकि वो मटेरियल में तो विश्वास ही नहीं करता, वो मैटर में तो विश्वास ही नहीं करता, जैसे कि अभी हमने देखा था इसके इस वाल कोटेशन में, ठीक है ना। ही हेल्ड दैट देयर आर नो मटेरियल सब्सटेंस, वो ये कहता है कि कोई भी मटेरियल सब्सटेंस जैसी कोई चीज नहीं होती, देयर आर ओनली फाइनाइट मेंटल सब्सटेंसेस एंड एन इनफाइनाइट मेंटल सब्सटेंस नेमली गॉड, ठीक है। हम कौन है, हम स्पिरिट हैं, और हम स्पिरिट हम कौन है, हम सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट मेंटल सब्सटेंसेस हैं जिनके पास माइंड होता है, एंड दिस इज व्हाई वी आर कॉल्ड कॉन्शियस सब्जेक्ट हु नो द थिंग्स विच इज व्हाई वी आर कॉल्ड नोअर। हम नोअर हैं और हम चीजों को जानते हैं, लेकिन एक ऐसा इनफाइनाइट मेंटल सब्सटेंस भी है जिसकी मेंटल एबिलिटी का कोई लिमिट ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड गॉड, उसको वो गॉड बोलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका थियरी ऑफ नॉलेज, ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम परसेप्शन, व्हाट वी परसीव आर आइडियाज नॉट थिंग्स इन देमसेल्व्स, अ थिंग इन इटसेल्फ मस्ट बी आउटसाइड एक्सपीरियंस, सो द वर्ल्ड ओनली कंसिस्ट ऑफ आइडियाज एंड माइंड्स दैट परसीव दोज आइडियाज, अ थिंग ओनली एग्जिस्ट सो फार एज इट इज परसीव्ड और इट इज और इज परसीव्ड, ठीक है। यानी कि जितनी भी नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन से आती है, और जो कुछ भी हम परसीव करते हैं वो सिर्फ आइडियाज हैं, और जो आइडियाज हैं वो चीजें नहीं हैं, वो अपने आप में चीजें नहीं है, वो क्या है, वो आइडियाज हैं। यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड में जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ आइडिया एंड दैट इज द ट्रू नॉलेज। Although this we can see that consciousness is considered something that exists to Berkeley due to its ability to perceive. अब हम consciousness को भी हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हम क्योंकि conscious हैं, conscious being हैं, तभी तो हम क्या कर पाते हैं, चीजों को experience कर पाते हैं, हम उनको जान पाते हैं। तो यानी कि Berkeley की idea में consciousness का भी स्थान है। The theory of Berkeley is called presentationalism because ideas are directly present before us. इस theory को हम बर्कले की जो ये थ्योरी है इस इस्ट परसीव वाली, तो इसमें इस थ्योरी को हम प्रेजेंटेशनलिज्म बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ये आइडियाज को हमारे सामने डायरेक्ट प्रेजेंट करती है, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट आपके सामने एक एप्पल रख दिया जाए और आपसे क्या आपसे बोला जाए ये क्या है, तो वो क्या है, तो मैंने आपके सामने एप्पल प्रेजेंट नहीं किया है, आपके सामने मैंने डायरेक्ट एप्पल का आइडिया प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। सो दिस थ्योरी इज कॉल्ड प्रेजेंटेशनलिज्म, क्लियर, इन विच ओनली द सब्जेक्ट एंड आइडिया इज relevant. Here we can note that Berkeley's theory is a two-factor theory, epistemological monism, in which the subject and the idea is relevant. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो Berkeley की theory है वो क्या है, वो two-factor theory है, जिसको हम epistemological monism कहते हैं, in which only the subject and the idea is relevant. जिसमें सिर्फ idea और subject सिर्फ दो ही चीजें relevant हैं. Subject कौन है, हम, आइडिया वो जिसको हम जानते हैं, ठीक है। टू बर्कले आइडिया एंड क्वालिटीज आर वन मोनिस्टिक थ्योरी, आप देखो यहां पे बर्कले क्या कहता है, आइडियाज एंड क्वालिटीज आर वन मोनिस्टिक थ्योरी हो गई है, क्योंकि जो चीजें हैं जिनको आप क्वालिटीज बोलते हो वो क्या है, वो भी एक आइडिया ही है। जैसे कि अगर आप बोलते हो कि एप्पल जो है वो मीठा है, तो जो मीठा है मीठा का भी तो एक आइडिया ही है, ठीक है ना। अगर आप ये बोलते हो कि नींबू खट्टे हैं, तो जो नींबू है वो अपने आप में एक आइडिया है, और नींबू के खट्टा जो होना है वर्ड वो भी अपने आप में एक आइडिया ही है। तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, वो क्या है, वो एक ही है। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड मोनिस्टिक थ्योरी, ठीक है, मोनिज्म मींस वन। नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड टू फैक्टर थ्योरी ऑफ नॉलेज बिकॉज हियर ओनली नोन एंड नोन आइडियाज आर एक्सेप्टेड। इसको टू फैक्टर थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो नोअर होता है,
और दूसरा नोन होता है, यानी कि एक तो एप्पल है और उसको देखने वाला मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं नोअर हूं, यानी कि मैं स्पिरिट हूं, यानी कि मैं कौन हूं? मैं कॉन्शियस बीइंग हूं, मैं माइंड हूं। और जो एप्पल है वो क्या है? वो आइडिया है जिसको मैं परसीव कर रहा हूं। अब क्योंकि एप्पल को मैं परसीव कर सकता हूं, इसीलिए एप्पल की जो नॉलेज है वो रियल नॉलेज है। इज इट क्लियर? एंड आइडिया इज अ सेंसिबल क्वालिटी। अब जो आइडिया है वो क्या है? वो एक सेंसिबल क्वालिटी है जिसको मैं सेंस कर सकता हूं। ये आइडिया वो वाला नहीं है, प्लेटो वाला, जो कि अपने आप में ट्रांसेंडेंटल है और बियॉन्ड दिस वर्ल्ड है, वो वाला नहीं है। ये आइडिया जो है वो सेंसिबल क्वालिटी है जिसको हम सेंस एक्सपीरियंस से जान लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट। नाउ इमटेरियलिज्म। अब इमटेरियलिज्म क्या है? इसको अभी तक तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि बर्कले का इमटेरियलिज्म क्या है। वो मैटर को नहीं मानता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या मानता है? वो ये मानता है कि स्पिरिट्स हैं और आइडियाज हैं। चीफ अमंग बर्कलेज वर्क इज हिज डेवलपमेंट ऑफ इमटेरियलिज्म, अ थियरी इन एपिस्टेमोलॉजी व्हिच एक्सप्लेन्स दैट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट ऑब्टेन नॉलेज अबाउट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। वो ये कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं गेन करते। इंस्टेड दे ओनली नॉलेज, द ओनली नॉलेज वी हैव इज ऑफ आवर आइडियाज अबाउट ऑब्जेक्ट्स सच एज द सेंसेशंस वी परसीव। वो ये कहता है कि जो नॉलेज है वो सिर्फ हमारे पास किसकी है? आइडियाज की नॉलेज है। सिर्फ हमारे पास आइडियाज की नॉलेज है जिसको हम सेंसेशन से परसीव करते हैं, जिसको हम सेंसेशन से परसीव करते हैं। आर परसेप्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज द इंटायरली ऑफ आर नॉलेज अबाउट इट। यानी कि हमारा किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए जो परसेप्शन है वही हमारी नॉलेज है। यानी कि अगर मैं इसको एप्पल मान लेता हूं तो मेरे लिए ये एप्पल ही है। अगर मैं मेरे पीछे जो टंगे हैं इसको अगर मैं पर्दे के अलावा कुछ और मान लेता हूं, मैं इसको टेबल मान लेता हूं, मेरे पीछे टेबल टंगी है, तो मेरे लिए ये टेबल ही है। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। कई बार हम रस्सी को सांप मान लेते हैं, तो मान लेने का मतलब क्या है? हमने उसको देखा है ना सांप के रूप में, तो हमारे लिए वो क्या हो गया? वो सांप ही हो गया। इज इट क्लियर? ऐसा कहता है कौन? बर्कले। फॉर बर्कले द आइडिया और थॉट अबाउट एन ऑब्जेक्ट इज आर कंप्लीट नॉलेज अबाउट इट। यानी कि किसी भी चीज के बारे में हम जैसा भी सोचते हैं हमारी एग्जैक्ट वही नॉलेज होती है। जो कुछ भी हम सोचते हैं हमारी वही नॉलेज है। यानी कि किसी भी फिजिकल चीज के बारे में हमने उसको जो कुछ माना है हमारी वही नॉलेज है। और ये रियलिटी, हम ऐसा ही करते हैं। हम क्या हैं? हम अपने सेंस एक्सपीरियंस से बाहर तो नहीं है। हम अपने सेंस एक्सपीरियंस से जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वही हमारे लिए नॉलेज है। ठीक है? वी हैव नो वैलिड रीजन फॉर अज्यूमिंग दैट आर आइडिया कोरिस्पोंड टू एनी एक्चुअल ऑब्जेक्ट और दैट अ वर्ल्ड एक्सटर्नल टू आवर माइंड एग्जिस्ट एट ऑल। ठीक है? यानी कि हमारे पास वैलिड रीजन नहीं है किसी भी चीज का कि हम जिस चीज को आइडिया बोल रहे हैं वो उसी चीज को कॉरेस्पॉन्ड करती है या नहीं करती है। इज इट क्लियर? और दैट अ होल एक्सटर्नल और आर माइंड एग्जिस्ट एट ऑल, या फिर हमारे पास इसका भी कोई भी वैलिड रीजन नहीं है अज्यूम करने का कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है या फिर हमारा जो माइंड है वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है, क्योंकि हमने इनको कभी भी देखा नहीं है। और ये उसी चीज को मानता है जिसको हमने परसीव किया है। टू बी इज टू बी परसीव्ड। क्लियर? नेक्स्ट, सब्सटेंस। व्हाट इज अ सब्सटेंस? सब्सटेंस मींस अल्टीमेट रियलिटी। अब जब भी आप रेशनलिज्म को या फिर एम्पिरिसिज्म को पढ़ेंगे तो आपको सब्सटेंस पढ़ना ही होता है सभी के फिलोसफी में, कि सब्सटेंस क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है। ये हमने प्लेटो से ही स्टार्ट कर दिया था। ठीक है? अब इनका सब्सटेंस क्या है? बर्कले डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंस एंड हेल्ड दैट सब्सटेंस मस्ट बी इनकॉर्पोरियल, दस ओनली स्पिरिट डिजर्व्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है ना? यानी कि अब ये मटेरियल सब्सटेंस का तो एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट करते नहीं है। अगर आप टेबल को ये बोलते हो कि ये टेबल है, ठीक है ना, अगर ये टेबल को आप टेबल बोलते हो, फिजिकल ऑब्जेक्ट बोलते हो, तो वो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो क्या है? वो टेबल का आइडिया है जिसको आप क्या कर रहे हो, जिसको आप परसीव कर रहे हो सेंसेशंस के थ्रू, जिसको आप परसीव कर रहे हो। ठीक है ना? तो वो तो रियलिटी है ही नहीं। रियलिटी क्या है? रियलिटी है स्पिरिट, जो कि कौन है? नोअर। रियलिटी है स्पिरिट जो कि नोअर है, और वही क्या है? सब्सटेंस है। क्योंकि जो अल्टीमेट रियलिटी उसी को हम सब्सटेंस बोलते हैं, और जो सब्सटेंस है वो क्या है? वो रियलिटी है, यानी कि वही कौन है? स्पिरिट है, यानी कि हम। स्पिरिट कौन है? हम। क्योंकि हम जिन चीज को जानते हैं तो हम उनको वैसे ही जानते हैं, वो हमारे लिए वैसी ही है जैसे हम उनको जानते हैं। अगर मैं एप्पल को एप्पल मानता हूं तभी तो वो एप्पल है, अगर मैं उसको कुछ और मान लूंगा तो वो कुछ और हो जाएगा। ठीक है ना? वो वही रहेगा, लेकिन हमारे लिए उसकी जो नॉलेज है वो तो वही हो जाएगी ना जो हमें लगता है।
Is it clear? Next, Berkeley argued that the universal idea of substance is senseless and held that the particular idea of substance is no other than a combination of many ideas which are also particular. अब देखो, जो बर्कले है वो ये कहता है कि जो यूनिवर्सल आइडिया है किसका, सब्सटेंस का, ये क्या है, ये अपने आप में सेंसलेस है क्योंकि हर व्यक्ति का जो सेंस एक्सपीरियंस होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। और इसीलिए इसके आइडियलिज्म को सब्जेक्टिव आइडियलिज्म बोला गया है क्योंकि हर व्यक्ति का जो आइडिया है वो सब्जेक्टिव होता है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि मेरे पीछे जो पर्दे टंगे हैं कौन से कलर के हैं, तो कोई कहेगा ब्राउन एंड ब्लैक है, कोई कहेगा गोल्डन एंड ब्राउन है, कोई कहेगा गोल्डन एंड ब्लैक है। हर व्यक्ति का अलग अलग परसेप्शन होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि सबका परसेप्शन अलग अलग है, इसका मतलब सबके आइडियाज अलग अलग हैं, और सबके आइडियाज अलग अलग हैं इसका मतलब जो उनके आइडियाज हैं वो कैसे है, वो ऑब्जेक्टिव ना होके, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, ऑब्जेक्टिव ना होके वो क्या है, वो स्पेसिफिक हैं, यानी कि वो कैसे हैं, वो सब्जेक्टिव हैं। अब क्योंकि हमारे आइडियाज सब्जेक्टिव हैं, दिस इज व्हाई दिस आइडियलिज्म इज कॉल्ड सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। क्लियर। बर्कले कंटेंटेड दैट वी रिकॉग्नाइज इज सोलली आइडियाज, यानी कि बर्कले ये कहता है कि हम जो कुछ भी रिकॉग्नाइज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आइडियाज होते हैं, कोई भी मटेरियल सब्सटेंस नहीं होता है। टू बर्कले देयरफॉर बीइंग और व्हाट रियली एग्जिस्ट इज ईदर आइडियाज और द स्पिरिट और माइंड, ठीक है ना। यानी कि हम जो कुछ भी परसीव करते हैं या तो वो क्या है, या तो वो आइडियाज हैं या फिर वो क्या है, स्पिरिट है। यानी कि आइडियाज जिसको हम परसीव करते हैं या फिर वो स्पिरिट है जो परसीव करने वाला है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, ये आपके 2003, 2010, 2009, 2012, 2015 में आए हैं, ठीक है ना। और इसमें एक ही चीज पूछी गई है, सारे क्वेश्चंस में एक ही चीज पूछी गई है, एस इज परसीव, टू बी इज टू बी परसीव्ड, एक ही चीज, ठीक है ना। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। यानी कि अगर कोई चीज है तो उसको हम क्या करेंगे, अगर कोई चीज है तो उसको परसीव होना पड़ेगा। यानी कि कोई चीज अगर परसीव होती है इसका मतलब वो रियल में है। This is all about this philosophy, es est percipi, यानी कि to be is to be perceived. 2015 में 10 marks का question आया था, easily आप समझा देंगे आराम से। To be is to be perceived, then how does Berkeley explain the permanence of things? जो Berkeley है वो permanence of things की तो बात ही नहीं करता, ठीक है ना। वो सिर्फ किसकी बात करता है, टू बी इज टू बी परसीव, जो कुछ भी हमें परसीव हो रहा है वो हमारे लिए रियलिटी है। अब जो कुछ भी परसीव हो रहा है वो हमेशा एक सा नहीं रहता, इसलिए उसमें permanency होगी ही नहीं। क्लियर। नेक्स्ट, ये आपका 2012 में आया था, 15 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट मेटाफिजिकल इंप्लिकेशंस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बर्कले स्टेटमेंट एस एस परसीपी 2010, यानी कि, और ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब यानी कि इसमें हम बर्कले के स्टेटमेंट एस एस परसीपी, यानी कि टू बी इज टू बी परसीव में हम क्या मेटाफिजिकल इंप्लीकेशन निकाल सकते हैं। इसका मेटाफिजिकल इंप्लीकेशन यही होगा कि हम जो कुछ भी देखते हैं दैट इज ओनली आइडियाज, एंड आइडियाज आर रियल एंड दैट आर सब्जेक्टिव। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव आइडियलिज्म और इमटेरियलिज्म, एंड आइडियाज आर रियल, वट एवर वी सी इज रियल, नथिंग एल्स, वट एवर वी कैन नॉट परसीव इज नॉट रियल, ठीक है ना। यानी कि जो कुछ भी हम परसीव कर सकते हैं सिर्फ वही रियल है, इसके अलावा कुछ भी रियल नहीं है। ये 2010 में 30 मार्क्स का क्वेश्चन था। फोर्थ में भी यही चीज है, टू बी इज टू बी परसीव, वही समझाना है आपको। फिफ्थ में भी यही है, टू बी इज टू बी परसीव, शॉर्ट नोट्स 2003 में आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इस लेक्चर के अलावा आपको अगर फिलोसफी के नोट्स चाहिए तो आप मेरी जो वेबसाइट है darshanis.com, यहां पे भी लिखा हुआ है, देख लीजिए darshanis.com, आप इसको विजिट कर सकते हैं। यहां पे आपको फिलॉसफी के सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी आपका डाउट हो इस लेक्चर में, किसी भी फिलॉसफी के टॉपिक में, चाहे वो इंडियन फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन या फिर सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड लक।